तो दिल से बुलाया कि वैसी क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फूल एचवी में 6 मरीज पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम दोस्त फूल एचवी में 6 पढ़ेंगे। चेन आइसोमेरिज इन अल्कोहल। अल्कोहल में चेन आइसोमेरिज, देखो चेन आइसोमेरिज का मतलब क्या हो गया बोलो, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रिंसिपल चेन का लंबाई अलग अलग हो तो वो आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर वन है हमारा C4। अब देखो ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+2। कार्बन का नंबर 4 है, हाइड्रोजन पता करना है तो 4 का डबल 8, 2 जोड़ दो 10, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 10। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं वो C4H10। अब ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा दो क्या बन गया, ब्यूटाइल। और बराबर नाम में अल्कोहल लगा दो क्या बन गया, ब्यूटानोल। क्या बन गया, ब्यूटानोल। यहाँ पर फॉर्मूला हो गया C4H9OH। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कार्बन का नंबर कितना है 4। तो यहाँ पर छूछे 4 कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन का नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन जोड़ दो 10। तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 10, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रख दिए। तो परीक्षा में तुमको से ये फॉर्म नहीं देता है, ये फॉर्म देता है C4H10O का चेन आइसोमेरिज लिखने देता है, मतलब एक नंबर में। ठीक है, तो तुमको ये दे देगा। अब तुम कहो पप्पा ये का हो समझ में नहीं आ रहा, एल्कोहल हम की इथर, ध्यान रखना ये एल्कोहल भी है, ये क्या इथर भी है, मतलब फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, इथर, आज हम भी पढ़ाएंगे। तो कार्बन का नंबर 4, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर कार्बन। तो एल्कोहल को पहले फर्स्ट पोजिशन पर लगा दें, यहाँ पर एल्कोहल को कहाँ लगा दिए, फर्स्ट नंबर कार्बन पे। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया, फर्स्ट कार्बन, आगे बोलो सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, यहाँ पर लिख दिए एन। और एक नंबर पे क्या है, ओल, एल्कोहल को सेकेंडरी सबस्टेंस क्या बोलते हैं, ओल, यहाँ पर लिख दिए हम लोग 1। और इस कंपाउंड का यूपेक नेम किया ब्यूटेन 1 ओल। अब इसी का हमको चेन आइसोमर बनाना है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का नहीं, कितना कार्बन लेंगे, 3 कार्बन का। यही हो गया मेरे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगाएंगे, 1 नंबर पे। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन था, 3 कार्बन यूज हो चुका, बचा कितना कार्बन, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को ना आगे लगाएंगे ना पीछे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, बीच में, यहाँ बीच वाला में एक और कार्बन लगा दो। ओके, ये जो कार्बन है वो हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया, 1 2 3, चाहे 1 2 3, चाहे जिग जैग लो प्रिंसिपल चेन, चाहे स्ट्रेट लो, तो हम लोग फिलहाल स्ट्रेट चेन ले रहे हैं। हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से क्या हो गया बाहर, ये क्या बन गया, ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं, मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल लिख दिए। यूपेक नेम में सबसे पहले किसको लिखते हैं, ब्रांच को, तो 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल, 2 पर क्या है, मिथाइल, तो लिख दिए 2 मिथाइल।
तीन कार्बन के रूट वर्ड यहाँ लिखिए प्रॉप, सिंगल मोड के लिए एन, अल्कोहल के लिए और यहाँ लिखिए और। इस कंपाउंड का यौगिक नाम हो गया टू मिथाइल प्रोपानॉल। अब बताओ कार्बन कितना है, चार, और यहाँ पर कार्बन कितना है, चार, ओके। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन ब्यूटेन का उतना हाइड्रोजन टू मिथाइल प्रोपानॉल का। यहाँ देखो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम। अब हमको प्रिंसिपल से अलग अलग करना है, तो रूट वर्ड पकड़ेंगे। यहाँ रूट वर्ड क्या है, ब्यूट, यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, प्रो। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम की डिफरेंट, सेम सेम, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और प्रिंसिपल चेन का लंबाई अलग अलग, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। यहाँ लिख दिए चेन आइसोमर्स, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिक। इस तरह दोस्त फुल एचडी में चेन आइसोमेरिक क्या हो गया, खत्म किस अल्कोहल चैप्टर का। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबा पे ख्याल रखना है, फिर अच्छा मंदिर।